Hello students, how are you? In continuation of chapter units and measurement, we are going to discuss third application of dimensional analysis. Dimensional analysis जो है उसकी दो applications हम study कर चुके हैं. First is conversion of one system of units to another and second is checking of correctness of physical formula. और फिजिकल इक्वेशन. थर्ड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस इज टू डिराइव द रिलेशन अमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज. इस एप्लीकेशन में क्या करेंगे हम, इन थर्ड एप्लीकेशन क्या करना है हमें कि किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी जो है उसका फॉर्मूला हमें डिराइव करना है. इन अदर वर्ड्स वी कैन से वी हैव टू डिराइव रिलेशन बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज एंड इन दिस एप्लीकेशन वी विल यूज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. इसमें भी हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो है उसको यूज करेंगे. शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूं कि इसमें क्या होगा. हमें क्या होगा, कोई भी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी दी होगी. सपोज हमें गिवन है कि फिजिकल क्वांटिटी क्यू इज डिपेंड्स अपॉन फिजिकल क्वांटिटी एक्स वाई एंड जेड. हमें गिवन है कि क्यू क्वांटिटी जो है वो क्वांटिटी एक्स, क्वांटिटी वाई एंड क्वांटिटी जेड जो है उन पे क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है. तो हमें क्या करना है, इन क्वांटिटीज के बिटवीन रिलेशन डिराइव करना है. तो इसमें हम क्या करेंगे, इनिशियली वी टेक क्यू प्रोपोर्शनल टू एक्स रेज टू पावर ए, वाई रेज टू पावर बी एंड जेड रेज टू पावर सी. इसमें हमने क्या करना है, हम एज्यूम करेंगे कि q जो है वो x रेज टू पावर a के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, y रेज टू पावर b के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड z रेज टू पावर c के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. यहां से हम प्रोपोर्शनलिटी जो है उसका सिंबल हटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक कॉन्स्टेंट आएगा जो हमारे पास यहां क्या रहेगा, अननोन रहेगा. x रेज टू पावर a, y रेज टू पावर b एंड z रेज टू पावर c. यहां पे हमें q, x, y एंड z ये क्वांटिटीज जो है हमारे पास, ये सारी क्वांटिटीज जो है ये क्या है, नॉन क्वांटिटीज है. इन सभी क्वांटिटीज का हम क्या करेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे. कहां पे, इसी इक्वेशन में. डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने के बाद हमारे पास इस इक्वेशन में दोनों साइड क्या आएगा, एम एल टी, और ये साइड जो है ये भी क्या रहेगी, एम एल एन टी की फॉर्म में रहेगी. दोनों साइड हमने क्या करना है, एम की पावर जो है उनको इक्वेट करना है, एल की पावर को इक्वेट करना है और टी जो है इनकी पावर को क्या करना है, इक्वेट करना है. देन वी हैव थ्री इक्वेशंस. तो हमारे पास क्या आएंगी, थ्री इक्वेशंस आएंगी और उन थ्री इक्वेशंस को सॉल्व करके हमने क्या फाइंड करना है, ए बी एंड सी की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है. ये हमारे पास इसका एक शॉर्ट सा मेथड है. अब हम इसको क्या करते हैं, एग्जांपल से देखते हैं. वी हैव फर्स्ट एग्जांपल इज डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड. हमें क्या करना है, टाइम पीरियड के लिए एक्सप्रेशन डिराइव करना है, मीन्स फॉर्मूला डिराइव करना है ऑफ ए सिंपल पेंडुलम विच में डिपेंड्स अपॉन. फर्स्ट क्वांटिटी दी हुई है हमें, किस पे डिपेंड कर रहा है, मास ऑफ बॉल एम, मास पे डिपेंड कर रहा है. सेकंड, लेंथ ऑफ पेंडुलम एल, पेंडुलम की लेंथ एल पे डिपेंड कर रहा है. एंड थर्ड डिपेंड्स ऑन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी. थर्ड जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है. तो यहां पर हमें गिवन क्या है कि टाइम पीरियड टी ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन, तो हम यहां डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंगे किसके, फर्स्ट मास ऑफ बॉब, लेट इट इज डिपेंड्स ऑन
मास रेज टू पावर ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सेकंड लेंथ ऑफ पेंडुलम एल रेज टू पावर बी हमने अज्यूम कर लिया, एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसकी पावर हमने क्या ले ली, सी ले ली, एंड टी इक्वल्स टू एम रेज टू पावर ए एल रेज टू पावर बी जी रेज टू पावर सी, इक्वेशन नंबर वन, वेयर के इट इज अ प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट, के जो है वो प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट है, ये हमारे लिए क्या रहेगा यहां पे अननोन रहेगा, लास्ट तक हम इसको एज इट इज लेकर चलेंगे। अब आपने क्या करना है, इसमें जो डिफरेंट क्वांटिटीज हैं उसकी डायमेंशंस पुट करनी है। टी हमारे पास क्या है, टाइम पीरियड दिया हुआ है, और टाइम पीरियड हमारे पास क्या होता है, ओनली टी होता है। इसको अगर मैं कंप्लीट लिखूं तो ये हो जाएगा एम जीरो एल जीरो टी वन। सेकेंड इज मास, मास ऑफ बॉब इक्वल्स टू एम वन एल जीरो टी जीरो, एल लेंथ, तो लेंथ के लिए हमारे पास क्या है, एम जीरो एल वन टी जीरो। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन जो है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, एम जीरो एल वन टी माइनस टू। ये डायमेंशनल फॉर्मूला जो है डिफरेंट क्वांटिटीज के, ये डायमेंशन हम कहां पे पुट करेंगे, इक्वेशन वन में पुट करेंगे, इनको इक्वेशन वन में पुट करेंगे, देन वी हैव एम जीरो एल जीरो टी वन इज इक्वल्स टू के एम वन एल जीरो टी जीरो रेज टू पावर ए एम जीरो एल वन टी जीरो, ये लेंथ की पुट की हमने डायमेंशंस, एंड एम जीरो एल वन टी माइनस टू ये डायमेंशंस होगी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। हमने क्या किया, जितनी भी क्वांटिटीज थी सबके डायमेंशंस इक्वेशन वन में पुट कर दी। अब इसके अंदर क्या है कि हमारे पास जो राइट हैंड साइड है वहां पे तीन क्वांटिटीज मल्टीप्लाई में है, तो उनके अंदर हम मास लेंथ और टाइम की जो इंडिविजुअल पावर्स है उनको क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। इन लेफ्ट हैंड साइड एम जीरो एल जीरो टी वन इक्वल्स टू के कॉन्स्टेंट, एम यहां पे वन है और इसकी पावर ए है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, एम रेज टू पावर ए एल रेज टू पावर जीरो टी रेज टू पावर जीरो। यहां पे वही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, एक्स रेज टू पावर ए रेज टू पावर बी, तो पावर की पावर जो है वो क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है, तो यहां पे इसकी पावर ए थी तो तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एम रेज टू पावर ए एल रेज टू पावर जीरो एंड टी रेज टू पावर जीरो, ये यहां पे ए एम रेज टू पावर जीरो एल वन टी जीरो उसकी पावर बी है, तो यहां पे लेंथ के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, एम जीरो एल बी टी जीरो, यहां पे रेज टू पावर बी था उसको अंदर की पावर से मल्टीप्लाई कर दिया, यहां जी की पावर सी थी तो यहां पे फिर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे पावर से, तो ये क्या आ जाएगा, एम जीरो एल सी टी माइनस टू सी, एम जीरो एल जीरो टी वन इज इक्वल्स टू के एम यहां पे रेज टू पावर ए है, यहां पे जीरो है, थर्ड वाले में फिर जीरो है, तो एम की टोटल पावर कितनी रहेगी, ए। नाउ एल इन फर्स्ट एम रेज टू पावर जीरो, इन सेकंड एल रेज टू पावर बी, इन थर्ड एल रेज टू पावर सी, तो ये क्या आएगा, मल्टीप्लाई में है तो प्लस होगा, बी प्लस सी, टी रेज टू पावर यहां जीरो है, यहां भी जीरो है, यहां माइनस टू सी है, तो ये माइनस टू सी। ये हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब हम यहां पे क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये बोलता है कि ये इक्वेशन कब करेक्ट होगी, जब दोनों साइड की डायमेंशंस क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। दोनों साइड की डायमेंशन सेम होने के लिए क्या है, हमारे पास यहां एम रेज टू पावर जीरो एंड इन राइट हैंड साइड एम रेज टू पावर ए, देन दिस जीरो शुड बी इक्वल टू ए, तो हम यहां पे एम की पावर को अगर कंपेयर करें देन वी हैव ए इक्वल्स टू जीरो, ए की वैल्यू हमारे पास पहले ही आ गई है।
अब अगर हम एल की पावर को कंपेयर करें देन एल रेज टू पावर यहां जीरो है, यहां एल रेज टू पावर बी प्लस सी, इट शुड बी करेक्ट इफ जीरो इज इक्वल टू बी प्लस सी। तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, बी प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, ये इक्वेशन आ गई, बी प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। ना हमें अभी तक बी की वैल्यू पता है ना हमें सी की वैल्यू पता है। इफ वी कंपेयर द पावर ऑफ टी इन लेफ्ट हैंड साइड टी रेज टू पावर वन, इन राइट हैंड साइड टी रेज टू पावर माइनस टू सी, तो यहां पे वन इज इक्वल टू माइनस टू सी, माइनस टू सी शुड बी इक्वल टू वन, देन फ्रॉम दिस इक्वेशन सी शुड बी, यहां से सी क्या आ जाएगा हमारे पास, सी की डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी वन बाई टू, और ये यहां पे नेगेटिव है तो इसके साथ नेगेटिव आएगा, ये हमारे पास सी की वैल्यू आ गई माइनस हाफ। ए की वैल्यू पहले आ गई जीरो, सी की वैल्यू आ गई माइनस हाफ। अब देखो हमारे पास जो इक्वेशन है इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन दिया था, इसको हम सेकंड दे देते हैं जिसमें ए की वैल्यू आ गई, यहां पे हमारे पास अभी कोई वैल्यू नहीं है, इसको इक्वेशन थ्री कर दिया और सी की वैल्यू जो है उसको इक्वेशन फोर कर दिया। अब इस सी की वैल्यू को हम कहां पे पुट करेंगे, इक्वेशन थ्री में पुट करेंगे, एंड इन इक्वेशन थ्री वी हैव बी प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, बी प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, एंड वी हैव सी इज माइनस हाफ इक्वल्स टू जीरो, बी इक्वल्स टू हाफ, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई। नाउ वी हैव ए जीरो, सी माइनस हाफ एंड बी हाफ, ये तीनों वैल्यूज ए बी सी जो है इसको हम कहां पे पुट करेंगे, इक्वेशन वन जो है वहां पे पुट करेंगे। तो हमारे पास टाइम पीरियड जो है वो क्या आ जाएगा, टी इक्वल्स टू के कॉन्स्टेंट, एम रेज टू पावर ए था तो जीरो हो गया, एल रेज टू पावर बी था तो हाफ हो गया, जी रेज टू पावर सी था तो माइनस हाफ हो गया। तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई, टी इक्वल्स टू के एल रेज टू पावर हाफ, जी रेज टू पावर माइनस हाफ है तो उससे मैंने डिवाइड कर दिया, और पावर हाफ है इसलिए क्या लगा दिया यहां पे, स्क्वायर रूट लगा दिया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया किसके लिए, टाइम पीरियड के लिए, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, इट इज टी इक्वल्स टू के रूट एल बाई जी, एंड वेयर के इट इज ए डायमेंशनलेस कॉन्स्टेंट जो हमारे पास यहां पे अननोन है और उसकी वैल्यू हम डायमेंशनल एनालिसिस से फाइंड भी नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास था फर्स्ट एग्जांपल। आपने सिंपली क्या करना है, जिसके भी जिस क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है कोई भी क्वांटिटी उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेना है, उनकी पावर एज्यूम करनी है, प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाएंगे कॉन्स्टेंट के आएगा, जितनी भी क्वांटिटीज है सबकी डायमेंशन पुट करनी है, और दोनों साइड में एम एल और टी जो है उनकी पावर्स को इक्वेट करना है। तो हमारे पास वहां पे क्या होंगी, तीन इक्वेशंस बनेंगी, उन इक्वेशंस को सॉल्व करके हमने क्या करना है, ए बी एंड सी की वैल्यू फाइंड करनी है, और वो ए बी सी की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उस फिजिकल क्वांटिटी के लिए फॉर्मूला आ जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स है एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, फोर्स जो है कौन सा है, सेंट्रीपिटल फोर्स है एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल में डिपेंड्स अपॉन फर्स्ट मास ऑफ द पार्टिकल, किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे, सेकेंड वेलोसिटी वी एंड रेडियस ऑफ सर्किल, ये फोर्स जो है इन तीन क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा है, एंड वी हैव टू फाइंड फॉर्मूला फॉर एफ यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। गिवन सेंट्रीपिटल फोर्स एफ डिपेंड्स, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंगे, मास रेज टू पावर ए, सेकेंड वेलोसिटी रेज टू पावर बी, एंड थर्ड रेडियस रेज टू पावर सी। ए बी सी मैंने लिया हुआ है, आप एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हो। देन एफ इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट के, एम रेज टू पावर ए, वी रेज टू पावर बी, आर रेज टू पावर सी, इक्वेशन नंबर वन। सेम मेथड रहेगा, अब हम क्या करेंगे, डिफरेंट क्वांटिटी जो हमारे पास है उनकी डायमेंशंस लिखेंगे, एफ फोर्स है तो फोर्स एम वन एल वन टी माइनस टू, एम मास एम वन एल जीरो टी जीरो, वी वेलोसिटी एम जीरो एल वन टी माइनस वन, एंड आर रेडियस लेंथ होती है एम जीरो एल एल वन टी जीरो। ये डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी जो है इसकी डायमेंशन हम पुट करेंगे इक्वेशन वन में, देन एफ इक्वल्स टू k
कि m रेस टू पावर a, v रेस टू पावर b एंड r रेस टू पावर c है, डायमेंशन पुट करेंगे m1 l1 t माइनस टू इज इक्वल टू k, मास की डायमेंशन m1 l0 t0 रेस टू पावर a, वेलोसिटी m0 l1 t माइनस वन, वेलोसिटी m0 l1 t माइनस वन रेस टू पावर b, रेडियस m0 l1 t0 रेस टू पावर c। सिंप्लीफाई करेंगे m1 l1 t माइनस टू इक्वल्स टू k, इस पूरे की होल पावर a दी हुई है m रेस टू पावर 1 उसकी पावर a, तो ये हो जाएगा m a l0 t0, जीरो इंटू ए जीरो रहेगा। अब यहां पे इसकी पावर बी है होल पावर, तो ये आएगा एम जीरो एल बी टी माइनस बी, और यहां पे फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एम जीरो एल सी टी जीरो। नेक्स्ट एम वन एल वन टी माइनस टू इक्वल्स टू के, एम की टोटल पावर यहां पे ए है, इसमें जीरो है, इसमें भी जीरो है, तो यहां पे क्या रहेगा a प्लस जीरो ए। एल फर्स्ट में जीरो है, सेकंड में b है और थर्ड में c है, तो ये हो जाएगा b प्लस सी। टी फर्स्ट में जीरो है, सेकंड में माइनस b है, थर्ड में फिर जीरो है, तो ये क्या आएगा माइनस b। ये हमने क्या कर दिया डायमेंशन इनकी पुट कर दी। अब हम क्या करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करके दोनों साइड की जो पावर्स हैं उनको इक्वेट करेंगे। तो पहले m की पावर को अगर इक्वेट करें तो हमारे पास क्या आएगा a इक्वल्स टू वन, इक्वेशन नंबर टू। ये हमने क्या किया है m की पावर को इक्वेट किया है। अब हम क्या करेंगे l की पावर को इक्वेट करेंगे, तो राइट हैंड साइड है b प्लस सी, लेफ्ट हैंड साइड है वन, तो ये हमारे पास क्या आएगा b प्लस सी इक्वल्स टू वन, इक्वेशन नंबर टू। एंड t की पावर को इक्वेट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड माइनस टू, राइट हैंड साइड माइनस बी, तो ये हमारे पास आएगा माइनस बी इक्वल्स टू माइनस टू, बी इक्वल्स टू टू। यहां बी की वैल्यू हमारे पास आ गई, ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास सेकंड इक्वेशन से क्या है बी प्लस सी वन दिया हुआ है, तो बी प्लस सी इक्वल्स टू वन है, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस वन। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई C की वैल्यू। A, B एंड C इनकी वैल्यू हम कहां पे पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज ऑफ A, B एंड C इन इक्वेशन वन। तो इक्वेशन वन में पुट करेंगे F इक्वल्स टू K, M रेज टू पावर A है और A कितना आया वन, बी रेज टू पावर बी है बी कितना आया टू, एंड आर रेज टू पावर सी है सी कितना आया माइनस वन। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ गया एफ इक्वल्स टू के, एम वन है डायरेक्ट एम, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर माइनस वन है तो उससे डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ गया सेंट्रीपिटल फोर्स आ गया एफ इक्वल्स टू के एम बी स्क्वायर बाय आर। इट इज थर्ड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो इस टाइप से हमें क्या करना है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी गिवन है और ये दिया हुआ है कि वो क्वांटिटीज किन किन क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रही है, तो हमें क्या करना है इस टाइप से उसको सॉल्व करना है, उसके लिए फॉर्मूला डिराइव करना है। लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस जो है उसकी लिमिटेशंस ड्रॉबैक्स जो है उसको अब हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जो है ये क्या है, इट गिव्स नो इंफॉर्मेशन अबाउट डायमेंशनलेस कॉन्स्टेंट। जैसे अभी हमने फॉर्मूला डिराइव किया था तो उसमें क्या है हमारे पास जो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है के,
उसके बारे में ये कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता, मीन्स हम उसको फाइंड नहीं कर सकते। सेकेंड, वी कैन नॉट डिराइव फॉर्मूला फॉर ए फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड्स अपॉन मोर देन थ्री क्वांटिटीज हैविंग डायमेंशंस अभी हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया उसके अंदर जितने भी फॉर्मूले हमने किए थे उसके अंदर कोई भी क्वांटिटी जो है वो क्या है, थ्री क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रही है। अगर कोई भी क्वांटिटी मोर देन थ्री क्वांटिटीज कौन सी, जिनकी क्या होंगी, डायमेंशंस होंगी। मोर देन अगर थ्री है और उनकी क्या है, सबकी डायमेंशंस हैं, तो उन क्वांटिटीज के लिए हम फॉर्मूला डिराइव नहीं कर सकते। उनके लिए हम फॉर्मूला क्यों नहीं डिराइव कर सकते, क्योंकि उसके अंदर क्या होगा, हमारे पास जो अननोन वेरिएबल्स आएंगे वो क्या आएंगे, मोर देन थ्री आएंगे, फोर फाइव सिक्स सो ऑन, एंड वी हैव इक्वेशंस ओनली थ्री, क्योंकि हम एम एल और टी की पावर्स जो है उनको क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं। तो हमारे पास इक्वेशंस जो आएंगी वो क्या आएंगी, ओनली थ्री आएंगी, और अननोन वेरिएबल्स जो है वो क्या रहेंगे, मोर देन थ्री रहेंगे। तो हम क्या है, इन थ्री इक्वेशंस को सॉल्व करके मोर देन थ्री वेरिएबल्स जो है उनको फाइंड नहीं कर सकते। नेक्स्ट, थर्ड, वी कैन नॉट डिराइव द फॉर्मूला कंटेनिंग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री लॉगरिथम, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसके अंदर आएंगे, उन फॉर्मूलाज को हम डायमेंशनल एनालिसिस से डिराइव नहीं कर सकते। वी कैन नॉट डिराइव एग्जैक्ट इक्वेशन और फॉर्मूला विच कंटेन्स मोर देन वन पार्ट इन आइदर साइड, किसी भी साइड में अगर एक से ज्यादा पार्ट आ गए, लाइक इक्वेशन हमारे पास v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी है, इसमें इस साइड का है मोर देन वन पार्ट है, दो पार्ट हो गए, इस टाइप की इक्वेशन जो है वो हम इससे डिराइव नहीं कर सकते। फिफ्थ इज, इट गिव्स नो इन्फॉर्मेशन वेदर क्वांटिटी इज स्केलर और वेक्टर। डायमेंशनल एनालिसिस जो है वो हमें इस टाइप की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता कि क्वांटिटी जो हमें पता चल जाए कि ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी। दीज आर फाइव लिमिटेशंस ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस। नो इन्फॉर्मेशन अबाउट डायमेंशनलेस कांस्टेंट, डायमेंशनलेस कांस्टेंट की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। कैन नॉट डिराइव फॉर्मूला फॉर अ फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड्स मोर देन थ्री फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग डायमेंशंस, उस टाइप की क्वांटिटी के लिए हम फॉर्मूला डिराइव नहीं कर सकते। थर्ड, वी कैन नॉट डिराइव द फॉर्मूला कंटेनिंग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जिन फॉर्मूलाज में क्या है, लॉगरिथम है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है या एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, उस टाइप के फॉर्मूलाज जो है हम इसके यूज से डिराइव नहीं कर सकते। देन वी कैन नॉट डिराइव एग्जैक्ट इक्वेशन विच कंटेनिंग मोर देन वन पार्ट इन वन साइड, किसी भी साइड में अगर मोर देन वन पार्ट है तो उस टाइप की इक्वेशन भी हम इससे डिराइव नहीं कर सकते। एंड इट इज गिव्स नो इन्फॉर्मेशन वेदर अ क्वांटिटी इज स्केलर और वेक्टर, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी जो है उसके लिए भी ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।